हाय हेलो। मैंने एक ऑनलाइन हनीमून स्वीट बुक कराया था मिस्टर एंड मिसेज अरोरा के नाम से। जैसे मैंने बोला था रेडी किया आपने? यस सर, हियर आर द कीज सर। और हाँ, D&D टैग प्लीज। श्योर सर, हियर। थैंक यू। माय प्लेजर सर। यहाँ क्यों रुकी हो? आओ ना। पता नहीं क्यों मेरे पैर उठ ही नहीं रहे। Never mind. तुमने आवाज सुनी? बगल में कोई और भी कपल होगा यार। मिंटी को और उसके भद्दे मजाक को भूल जा, बस तू उस प्रिंस को याद रख। अरे वो लंदन वाला, इतनी अच्छी किस्मत है तेरी। तुझे पता है वो अंगद ने सामने से मुझसे तेरा हाथ मांगा है? अरे वही अंगद जिसके इंस्टा पे करोड़ों फैन फॉलोइंग है। करोड़ों मिलियन फॉलोअर्स नहीं है उसके, सिर्फ 3 मिलियन फॉलोअर्स है। अच्छा, और तेरे कितने फॉलोअर्स है पता? मिस जेलस, तेरे तो फ्यून से भी नहीं है। ओहो, मेरी बेटी तो फॉर्म में आ गई। मॉम, तो फिर से शुरू हो गई। ये लो, हमारी तो तितलियां आ गई। ओए, माफी मांग मेरी बच्ची से। लेकिन किस लिए? किस लिए? अरे राक्षसनी बनके जो इसे डराया है, इसलिए मेरे इजाजत के बगैर जो पार्टी में गई उस लिए। मैं कोई माफी नहीं मांगूंगी। क्या बोली? चाची चाची, मिंटी सही बोली, इसे पिज्जा बर्गर ये सब पसंद है ना, तो इसका मन चला गया, इसने पार्टी में चली गई। Enough! एक बहन झूठ बोलती है, दूसरी बहन उसके झूठ पर छुपाती है। Great! ओए मैरी, खबरदार मिंटी के बारे में कुछ भी बोला तो आवाज नीचे। नहीं करूंगी। मिंटी। चाची, तेरी इस भुक्कड़ बहन को खाने का बहुत शौक है ना? जितना इसने पार्टी में ठूसा है ना, उतना ही मेरी बेटी ने उगला है। राक्षसनी बन के जितना डराया मेरी बेटी को, पूरे रास्ते गाड़ी में उल्टी करते हुए आई है। मिंटी चुप कर। चाकी पाइप लेकर आ, मैं गाड़ी के पास हूँ, जा। ये सब क्या कर दिया तुमने? मैंने कहा था ना होटल में कुछ नहीं। अब जाओ, तीनों को मिलने के लिए तैयार हो जाओ। ये दुल्हन और उस दूल्हे को मैं देख लूंगी। क्या हुआ बेटा? दादी। क्या हुआ? दादी, वो राक्षस मेरी पत्नी को ले गया दादी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ले जाऊंगी। प्लीज मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे प्लीज दादी, मुझे छोड़ दो दादी, छोड़ दो मुझे प्लीज। परेशान क्यों कर रहे हो? आराम भी नहीं करने दोगे? सॉरी मैम। भाग गया वो।
डायरी की और अब मुझे बदतमीज बोल रहे हो, दिस इज नॉट फेयर। एक काम कर, तू जाके वहाँ पे बम्पर साफ कर। दीदी अभी आप ना बात मत डालो, बदतमीज ने किया वो चुड़ैल चाची और उनकी वो तीनों छिपकलियों ने। वैसे ना वो अंगद भी कम चुड़ैल नहीं है। अंगद और चुड़ैल, वाह जेंडर ही चेंज कर दिया। मेरा मतलब है राक्षस, सगाई की बात उसने परिधि के साथ छेड़ी लेकिन पूरी पार्टी में वो मेरा पीछा कर रहा था। अरे दी उसका बदला ले लिया ना मैंने उस लंदन वाले राक्षस का नंबर चुड़ैल चाची की राक्षसनी को दे दिया। अब वो दोनों करते रहे डेटिंग शेटिंग व्हाटएवर। देख उनको जो करना है वो करे, तू अंगद से दूर रहेगी समझी। Hey pretty girl. Listen, मुझे एकदम लंदन गर्ल्स वाली फिटनेस चाहिए। No flabby arms, क्योंकि जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली है उसके ऊपर सारी लड़कियां मरती हैं। और मैं वो एक लड़की बनना चाहती हूँ जिस पे वो मरे। Got it? अंगद का वॉइस मैसेज। Hey pretty girl. You're really very pretty. तुम्हारे खूबसूरत बाल, rosy lips, cute button nose. तुम्हारी मॉम कहती हैं कि तुम शर्मीली हो, but I think तुम इतनी बोल्ड हो कि अपनी प्राइड को होल्ड कर सको. तुम जितनी अट्रैक्टिव हो उतनी ही सेंसिटिव भी. But you know what? तुम्हारी एक बात है जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, वो है तुम्हारे दिल के इमोशंस तुम्हारी आंखें चुरा लेती हैं. और ये चोरी मुझे बहुत अच्छी लगती है. Oh my God, मैं ऐसी हूँ क्या? I should reply right now उससे पहले कि अपना इरादा बदल दे। Vicky, record this. Hi Angad. Mom सही कह रही है। मैं बहुत शर्मीली हूँ। हम Indian girls के पास एक ही तो bank balance होता है। शर्म। वैसे I'm very proud of me कि तुम्हें मेरी ये शर्म अच्छी लगी। वैसे Angad, एक बात बताओ। मिलोगे कब? मिलोगे कब? मिस टायर पंक्चर, तुमने तो मुझे ही पंक्चर कर दिया। डेटिंग तो बनती है। डैम दिस सॉरी, पहले इसको लपेटने का स्ट्रेस, अब ये प्लीज की टेंशन। एक बार ये अंगद से शादी हो जाए फिर तो लंदन में शॉर्ट्स ही पहननी है। मैंने कहा था ना हम इंडियन गर्ल्स का एक ही बैंक बैलेंस होता है। शर्म। तुम क्या क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्माते हुए देख रहा था। Get lost. एक बार और कहा ना तो सुहागरात नंबर 273 यहीं मना दूंगा। हमने जितनी भी सुहागरातें मनाई है ना उन सब की रिपोर्ट मेरे पास है ऑन द पेपर। अच्छी लग रही है वैसे। दीप कितना चमकाओगे, इसे शोरूम में जाके बेचना है क्या? बस करो दीप। मिंटी गुस्सा क्यों हो रही है? बस थोड़ा तो रह गया। दी 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 आइडिया, ये रे कार की कीज, ये रे कार, इस कार में बैठकर भागते। चलो ना, चलो चलो। मिंटी एक काम कर, तू जा मैं अकेले कर लूंगी। अगर आप ऐसा करोगे ना तो जिंदगी भर वो गाड़ी के अंदर उल्टी करते रहेंगे और हम पूरी गाड़ी साफ करते रहेंगे। मिंटी ये लो, खुद ही करो और एंजॉय करो। क्या कर रही हो तुम? मुझे गार्डन में मिलने वाली थी, राइट? गार्डन में? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो मुझे जाना है। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी। माय गॉड, नॉट अगेन।
वाह क्या बात है, अब तक नहीं आए वो वरदान चौधरी। वीआईपी है भाई, वीआईपी तो लेट एंट्री मारते हैं। अजीब बात है, मिलना चाह रहे थे हम उसको और मिलने का ऑफर दे दिया उसने हमको। सॉरी गाइस, वैसे तो मैं कभी किसी को वेट नहीं करवाता लेकिन आज मैं लेट हो गया। आई एम सॉरी। इट्स एब्सोल्युटली ओके, प्लीज। एनीवे, आई होप मेरे स्टाफ ने आप सबका अच्छा ख्याल रखा होगा। ये आपका स्टाफ नहीं, ये हमारा स्टाफ है। हाँ, अब ये स्टाफ मेरा है। पर कैसे? पैसा बोलता है, किसी के स्टाफ को अपना करना हो तो उसकी सैलरी डबल कर दो, वो स्टाफ आपका। एनीवे गाइस, अगर मैं किसी से कुछ ले सकता हूँ तो बदले में डबल कुछ स्पेशल गिफ्ट दे भी सकता हूँ। प्लीज चेक योर पॉकेट्स गाइस। Brand new imported special edition luxury cars, all yours. Thank God, चला गया ये। ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? तुम वापस आ गए? मैं गया कब था? Actually मुझे तुमसे कुछ बात करनी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो किससे करूँ? उसी के साथ जिसके साथ तुम अपनी पूरी जिंदगी बिताने की प्लानिंग कर रहे हो। तो मैं तुम्हारे साथ ही करने वाला हूँ। Listen. कि तुम्हारा लंदन नहीं है कि तुम डेट किसी और के साथ करो, सेट किसी और के साथ हो। मतलब मैं कुछ समझा नहीं? मुझे तुम्हें कुछ नहीं समझाना, मैं जा रही हूँ। अरे पर कहाँ? लिसन, छोड़ो। अरे ओ गॉड, प्लीज प्लीज झुको। क्यों झुकूं? प्लीज झुको, प्लीज। अरे पर झुकना क्यों? झुको प्लीज। अरे कहाँ गई? ओहो, शादी से पहले झुकने की आदत डलवाना चाहती है लड़की आजकल, समझ रहा हूँ मैं सब। That's a fantastic gift, PC. पर हमें नहीं चाहिए। वदन साहब, हम अजनबियों से ऐसे गिफ्ट्स नहीं लेते। अगर लेते हैं तो बहुत बड़ा गिफ्ट लेते हैं। I'm impressed. और वैसे भी मुझे जहां तक पता है, एक अजनबी अगर आपको इतनी बड़ी गिफ्ट दे रहा है, उसके बदले में वो भी कुछ चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं वर्धन साहब? ट्रस्ट, काली माँ के मंदिर का ट्रस्ट जो पिछले 16 सालों से आप लोग संभाल रहे हैं। वाह, काली मंदिर का ट्रस्ट हम आपको दे दें। कितना दोगे? पिछले 16 सालों में जितना आप तीनों ने कमाया है उसका 3 गुना। 3 गुना क्या? आप 10 गुना भी देंगे तो भी नहीं मिलेगा। 5 गुना। डन। वर्धन साहब, एक बात समझ में नहीं आई। एक मॉडर्न एनआरआई कहीं भी पॉश एरिया में कुछ भी इन्वेस्ट करके 50 गुना ज्यादा कमा सकता है, लेकिन हमारे छोटे से शहर के काली मंदिर के ट्रस्ट में इंटरेस्ट दिखाता है, ये बात कुछ हजम नहीं आई। आप लोग आम खाइए ना, गुठलियां मेरे लिए छोड़ दीजिए। वाह, that's being a great businessman. और जो इंसान ग्रेट बिजनेसमैन होता है वो एक ग्रेट दोस्त भी होता है। आजमा के देख लीजिए। आज ही ट्राई करते हैं। आप प्लीज हमारे घर में पधारिए, आज मेरे बेटी का रोका है। Sure, I'll be there. रोका? आज रात को? मेरा बेटा बहुत मूडी है, वो दिन में कुछ और बोलता है, रात को कुछ और बोल देता है, उसे सीरियसली नहीं लेने का। He is right, Prithvi जी, मेरे बेटे के दिमाग में इंडियन गर्ल्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। You know, he is used to of England girls. I mean, उनकी दोस्ती है, और ये आदत छुड़वाना is just impossible, you know. दामिनी भाभी, आप प्लीज फिक्र मत कीजिए, मैं अपने दामाद के साथ बात कर चुका हूँ। और मान गया? Yes, dad, of course, मान गया। मान गया मैं? Yeah, dad, boys, yes. और उसका क्या हुआ जो तुमने कहा था कि किसी लड़की से शादी करने से पहले उसे बार बार मिलना चाहिए, समझना चाहिए, फिर हाँ कहना चाहिए? अरे नहीं 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 डैड, आप बिल्कुल सही कहते थे। भारतीय संस्कारों में जो बात है ना डैड, वो लंदन के संस्कारों में है ही नहीं। मैं यहाँ पे आने के बाद ना मेरी थोड़ी बदल चुकी है डैड, मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं बेटा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि तू बदल गया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा। देखा, इस देश की मिट्टी ने इसको अपना लिया। मुझे भी इनकी बेटी पसंद है। पृथ्वी, अभी तक तो मेरे बेटे ने हाँ की है, अब मैं तुम्हें जुबान देता हूँ कि आज से तुम्हारी बेटी हमारी हुई। क्या बात है शक्ति साहब, अरे लीजिए, आ गई हमारी, मेरा मतलब है आपकी बेटी। दामिनी भाभी, मैं ये सोच रही थी कि आज रात को एक डिनर पार्टी दे देते हैं और उसी में इन दोनों का रोका भी कर लेते हैं। जरूर जरूर, सेलिब्रेशन होनी चाहिए। क्या हुआ बेटा? लगता है कुछ अटक गया। सुपारी? अरे सुपारी कब से खाने लगा? अरे नहीं शक्ति बाबू, ये शर्माने का नया स्टाइल है। आपको मुबारक हो, गले तो मिली है। मुबारक हो। दामिनी भाभी, पहले देसी गर्ल अब सुपारी, वाव बिगड़ गया मेरा मुंडा।
कितना भागेगा हाँ? तेरा मरने का समय आ गया है। चल। ये बुढ़िया, ये क्या कर रही है? ये मुझे मार डालेगी। प्लीज बचाओ मुझे इससे। छोड़ो उसे। ये क्या कर रहे हो? वशीकरण के उपयोग से तुम्हारी शक्ति चली जाएगी, तुम निर्बल बन जाओगे। मैं तुम पर हमला कैसे होने देता? टायर पंक्चर को इसने कब रिप्लेस कर लिया? What an irony! वो टायर पंक्चर करती है, इसका दिमाग पंक्चर है। Bro, bro, ये set girl नहीं है, ये net girl है, you know? क्या हो गया आपकी choices को? In a day, almost 16 outfits change करती है, और सबकी pics post करती है। Wait, I'll show you. See this? This. Bro, ये Indian season girl नहीं है, ये पिजन गर्ल है, यू नो पिजन गर्ल। फर 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 फर। ये वो लड़की है ही नहीं जिससे मैं, जिसके लिए मैंने हाँ करी थी। What? Yes. Bro, कुछ तो बहुत बड़ी मिस्ट्री चल रही है इस घर में। 100% यार, there's some mystery। ये लोग क्या, पहले मुझे वो पंक्चर गर्ल मिलती है, वो मेरा टायर पंक्चर करती है, फिर मेरा दिमाग पंक्चर करती है, उसके बाद ये लोग मेरे साथ माइंड गेम्स खेलते हैं। वो पिजन गर्ल, मुझे नंबर उसका मिल जाता है, लेकिन मैं पसंद कोई और लड़की कर रहा हूँ। एंड यू नो वॉट, ये सब मैस क्रिएट किया आपके उस पंक्चर गर्ल ने, तो अब सॉर्ट आउट भी वही करेगी। यू राइट, यू एब्सोल्युटली राइट। यस, उसने क्रिएट किया ना, वही सॉल्व करेगी। तुम्हारी सारी शक्तियां तो चली गई, ऐसा कमजोर वरदान चौधरी पृथ्वी के बेटे की रुके में कैसे जाएगा? पहले अपनी गुफा में जाएगा और अपनी शक्ति फिर से हासिल करेगा। और फिर शक्ति फिर से आ गई, और क्या चाहिए? देखो, मेहमानों की खातिरदारी में ना कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी। और हाँ, जलेबियाँ सबकी प्लेट में होनी चाहिए। जी। और हाँ, पृथ्वी चाचा की प्लेट में ना सिर्फ एक जलेबी रखना। पता है ना उन्हें शुगर की प्रॉब्लम है। पता है मेरा बहुत मन था कि तुम लोगों के साथ ना इस फंक्शन में मैं सर्व करूँ, लेकिन बाहर जाना अलाउड नहीं है। तुम लोग सुन रहे हो ना मुझे? हेलो, हेलो,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खेल खत्म करने आया हूँ जो तुमने शुरू किया था। मैं तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेल रही हूँ। अरे हद होगी, तो वो क्या था जो तुमने मुझे मैसेज किया था, कब मिलोगे कहाँ मिलोगे? मैंने तुम्हें कोई मैसेज नहीं किया, परिधि ने किया होगा। उसी का नंबर तुम्हारे पास है, उसी को तुमने चूज किया और उसी के साथ तुम्हारा रोका हो रहा है। लिसन, तुम मुझे चुपचाप बता दो तुम हो कौन। देखो अगर तुमने मुझे नहीं बताया ना तो मैं शालिनी आंटी को सब बता दूंगा, किस तरीके से तुमने हमारा वेलकम किया था, हमारी गाड़ी का टायर पंचर किया था, सब कुछ। नहीं प्लीज, तुम ऐसा मत करना। तो फिर बताओ कौन। देखो तुम प्लीज यहाँ से जाओ। मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे बता नहीं देती कि तुम। ये क्या हो रहा है? ओह नो, अब गरजेंगे चुड़ैल चाची। बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर सब इंतजार कर रहे हैं, चलो बाहर आओ। चलिए आंटी, पहले आप मुझे बताइए कि है कौन। मतलब मुझे तो अब तक यही लग रहा था ना कि आपकी बेटी है। नहीं नहीं, ये हमारी नौकरानी उमा और उसकी बहन रमा। वो क्या है ना बेटा, हम अपने नौकरों को हमारी फैमिली के जैसे रखते हैं। अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, अच्छा पहनने को देते हैं, अच्छे घर में रहने को देते हैं। इसलिए तुमको भी गलत फहमी होगी कि ये हमारी बेटी। हमारे होने वाले दामाद पे डोरे डाल रही थी। नहीं अब ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल ऐसी बात है, इसलिए तो उसके हाथ तक पहुंच गई। कितनी बार समझाया ना तुम दोनों बहनों को कि अपनी औकात में रहो, पहनावा बदलने से किसी औकात नहीं बदल जाती। जी चाची। चाची नहीं मैम। सॉरी मैम। चल काम है। अरे यार इन लोगों का अंदर का काम खत्म ही नहीं हो रहा है, बाहर इतना काम है, तुम लोगों को मालूम है। कम ऑन बॉयज गर्ल्स कम ऑन आउटसाइड। इतना काम होते हुए भी तुम लोग इस... अच्छा सुनो, गार्डन के लिए स्टैचू भी ले आना। यार वो काली मंदिर देख रहे हो? उस मंदिर की मां ने 16 साल पहले हमारी जान बचाई थी और मैं क्या करने जा रहा हूं, उसी माता के मंदिर को बेचने जा रहा हूं मैं। अच्छा यार, ऐसे नहीं तो वैसे तुझे अपनी गलती समझ तो आई। प्यार का सौदा नहीं है, व्यापार का सौदा है। जय माता दी। लेकिन पृथ्वी, इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। रिस्क अक्षय, जब तक इंसान रिस्क नहीं लेता वो खुद से इश्क नहीं कर सकता। जो रिस्क हमने 16 साल पहले लिया था उसकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं, और जो रिस्क हम आज लेंगे उसकी वजह से हम वहां पहुंचेंगे जहां हमारे आसपास कोई नहीं होगा। पृथ्वी जी सुनिए, वो जो आपके स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन? जाने मन, उसे देखकर लगता नहीं है कि वो मांस खाता होगा। जी वाह कहना वाह, तुम्हारी दावत तो लाजवाब थी। पता नहीं वो लोग तुम्हें क्या घास फूस खिलाते, सोचा दिल के अरमान यहाँ ही पूरा करके पूछूं। पर तुम्हारा दिल इतनी यकीन से कैसे कह सकता है कि वो लड़की उसी घर में है? अगर वो वहां ना भी हो तो उस घर का सरदार और उसके दो यार वो तो जानते ही हैं कि वो कहाँ है। देखना कहना, एक ना एक दिन वो तीनों उस लड़की को मेरे पास जरूर लाएंगे। कालिंदी मेरी जिंदगी। आजा। उफ, ये सारी सब्जियां देख रही है, इन सबको काट कूट के तू ही बनाएगी। जी चाची। आज उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट आ रहा है और वो शुद्ध शाकाहारी है, इसलिए सारी सब्जियां जो भी है सब बना दो। सारी शाकाहारी डिशेस चाहिए मुझे सब। हाँ एक बात छोड़ के कभी भी अपनी चाची को ना उल्लू मत बनाना। क्यों कर रही थी तू परिधि के होने वाले हस्बैंड के साथ नैन मटक का? अरे याद रखना तूने चाची का नमक खाया है। अगर चाची के होने वाले दामाद पे नजर डाला ना, अगर नमक हरामी करने की सोची भी ना,
तो आज तक जितना नमक खिलाया है गला दबा के सारा कुछ निकाल लूंगी। कहा था ना कि जब तक मेरी बेटी परिधि की शादी नहीं हो जाती तो अपनी औकात में रहेगी, नौकरानी की तरह रहेगी, सामने नहीं आगी। कहा था ना, जिस दिन मैं अपने रौद्र रूप में आ गई ना उस दिन तुझे पता है क्या होगा, समझ गई? जी चाची। मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है, हजार चुड़ैल मरूंगी तभी चुड़ैल चाची पैदा होंगी। मतलब हद होती है यार, ये मैं नौकरानी बुलाती हूँ और जुबान पे तो कोई लगाम है ही नहीं, पूरा दिन चे 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 चे, और अब जी चाची मतलब देखिए क्या चल रहा है। गलती है हमारी, मेरे टायर पंक्चर किया और तूने जाके पैरी को इस पार्टी में राक्षस बन के डराया। आई स्वेयर मैंने पैरी को नहीं डराया, ये झूठ बोल रहा है। ठीक है नहीं डराया तूने, लेकिन मैंने टायर पंक्चर तो किया ना। अंगद का जो कंफ्यूजन है उसे नंबर मांगा और तूने पैरी का नंबर दे दिया। मिट्टी सारी गड़बड़ ना वहीं से शुरू हुई है। लेकिन दी आप समझ नहीं रही, गलती की है तो आप सुधारनी पड़ेगी। लेकिन दी आप, मिट्टी मुझे बहुत काम है, अंगद का रोका है। जब से तेरे ये रोके की अनाउंसमेंट हुई है तेरा प्रिंस चार्मिंग तो प्रिंस हार्मिंग बनकर ऐसे गायब हुआ है जैसे पहाड़ को देखकर ऊंट। प्लीज अंगद थोड़े शर्मीले टाइप का है इसलिए उससे शर्मीली लड़कियां पसंद है, तेरे जैसी नहीं। मेरे जैसी मतलब? शर्म ढक ले नहीं तो देखने वाले शर्मा जाएंगे। हाँ? हाँ। भाई साहब क्या हुआ, सब लोग चीख चीख के क्या कर रहे हैं? अरे इस अभागन की बेटे के कल ही शादी हुई थी, बेटे बहू आज घर आने वाले थे लेकिन आई तो बेटे की लाश और बहू का कुछ अता पता नहीं है, न जाने क्या हो रहा है। एक और दुल्हन गायब। उस आदमखोर ने इसे क्यों मारा, इसने उसका क्या बिगाड़ा था? क्या संबंध हो सकता है? कोई तो है जो मेरी तलाश कर रहा है, मेरा पीछा कर रहा है। इतनी सारी सब्जियां? इट्स ओके, ये एक्चुअली लंदन में हम लोग इस तरीके की चीजें करते हैं। सॉरी मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तुलसी लंदन में ये वाला एक्सपीरियंस हम लोगों को होता ही रहता है, इट्स वेरी नॉर्मल दे, बहुत एक्सपीरियंस है मुझे इन सब चीजों का। अच्छा टेल मी वन थिंग, तुम तो यहाँ पे काम कर, तुम्हारी सैलरी भी आई एम श्योर, तुम्हारी बहन वो भी तो यहाँ पे काम करती है, उसका नाम क्या है? रमा। आई एम हेल्पिंग यू, यू नो ये आलू वालू तो मेरे बाएं हाथ का है, मैं कभी भी काट सकता हूँ, इनफैक्ट कैप्सिकम काटने में तो आई एम एक्सपर्ट। तुम्हारा कोई खास लाइफस्टाइल नहीं होगा ना, नो मेकअप नो ट्रेंडी आउटफिट्स नो स्टाइल नो लाइफस्टाइल, अफोर्ड ही नहीं कर पाती होगी आई एम श्योर, है ना? लिसन मुझे ना तुम्हारी ये सादगी अच्छी लगती है, कोई और लड़की होती ना तो अभी तक टूट चुकी होती, लेकिन तुम टूटी नहीं, तुम इनफैक्ट टूट के काम कर रही हो, बिग थिंग, आई रियली लाइक इट। ये क्या किया तुमने, ये आलू लंबे लंबे काटने थे गोल गोल नहीं, ये कैप्सिकम ऐसे नहीं काटना था, इसे बॉईल करना था, जब तुम्हें हेल्प करने नहीं आते तो कर क्यों रहे हो? और मैं कैसे समझा रही हूँ जिसे सब्जियों और लड़कियों में कोई फर्क ही नहीं पता है, बस यूज किया और फेंक दिया। लेकिन मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ, हाँ मेरे पास ये सारी चीजें नहीं है लेकिन एक चीज है मेरे पास, मेरी खुददारी, और तुम जैसे अमीर लड़के ना ये अपनी दौलत से नहीं खरीद सकते। हाँ मैं यहाँ पे काम करती हूँ लेकिन इज्जत से काम करती हूँ, तो तुम यहाँ प्लीज इज्जत से निकल जाओ, क्योंकि तुम जैसे बदतमीज रईस ज़ादे ना
मैं तुम्हें एक दिन तो क्या, एक घंटे तो क्या, एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सो प्लीज जस्ट गेट लॉस्ट। हाँ सॉरी, मैंने वो सब्जियां तुम्हारी। Chase, goodbye. ये देखो अंगद के बारे में लेटेस्ट न्यूज़ आर्टिकल आया है। What the? इसमें लिखा है, he was the fastest growing millionaire in UK. Is this true? उससे क्या फर्क पड़ता है? Of course फर्क पड़ता है। मेरी से शादी होने वाली है। I want to know everything about him. अब अंगद तो कुछ बताएगा नहीं, because he is shy. और मैं सास ससुर जी से पूछ नहीं सकती, because I am shy. तो इसलिए मैंने सोचा अपने डार्लिंग देवर से ही पूछ लूं। पूछो पूछो। हाँ तो मेरे पास पूरी लिस्ट है क्वेश्चंस की। क्या उसका क्लोजेट उसके रूम से बड़ा है? क्या वो शैंपेन बाथ लेता है? एक बार ये कपड़े पहन लिए तो दूसरी बार तो नहीं पहनता होगा, राइट? उसकी कोई चार्टर फ्लाइट है क्या? ब्रो, इस परी को रास्ते से कैसे हटाना है? इसका रास्ता मिल गया मुझे। ती, लाइक रियली, तूने ये सारे सवाल पूछ लिए, वो भी अपने होने वाले हस्बैंड के भाई से? हाँ, और उसने मुझे जवाब भी दे दिया। ओफ, दीदी, तुझे पता है ना तूने अपना क्या इम्पैक्ट छोड़ा है? एक लालची लड़की जो NRI के पैसों के पीछे पागल है। रौनक, तेरी रौनक कहाँ गई? किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना मतलब आधी जंग जीतना, राइट? यही तो लिखा तेरी पति पटाओ वाली 100 टिप्स वाली बुक में। पर तू तो पति घटाओ की 100 टिप्स देकर आ गई। ब्रो, तू तो गई और ले, मैं भी आ रही हूँ। परिधि, हाय। You know what? Well, actually, मैं क्या सोच रहा था, अगर हम लोग साथ में शादी करना चाहते हैं और सारी जिंदगी साथ में बिताना चाहते हैं तो हम लोग को फ्यूचर प्लान्स डिस्कस कर लेने चाहिए। Oh no no no, you don't worry about all that. I have it all figured out. Horse races, waltz classes, holidays, villas, brunches, everything. Oh, पर I feel इन सब के लिए तो हमें बहुत सारे पैसों की जरूरत है। और वो तो मेरे डैड के पास है। और डैड से तो मैं कुछ लेने वाला हूँ नहीं। मैं अपनी जिंदगी नए तरीके से स्टार्ट करना चाहता हूँ, एकदम न्यू फ्रेश फ्यूचर विद जीरो अमाउंट। ओह नो, राइट? अब तुम कहोगे कि मैं तुम्हारी जिंदगी कैसे खराब कर सकता हूँ, और मैं तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। मैं काम करता हूँ, मैं डैड को जाके अभी बोल देता हूँ। डैड, ये हो ही नहीं सकता, रोका कैंसिल। नो 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 नो, अंगद, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे पैसों के पीछे पागल हूँ? नो, मैं तो तुम्हारे दिल के पीछे पागल हूँ। नो मिस्टर NRI, मुझे पता है तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। नेवर माइंड, मैंने भी तुम्हें बेवकूफ बना दिया। प्यार तो वैसे मैं तुमसे करती हूँ, पर डार्लिंग, प्यार के लिए भी पैसा चाहिए। ब्रो ब्रो ब्रो, यू आर स्क्रूड मैन। वो बाकी सारी चीजें ले आओ, जाओ जल्दी जाओ। सुनिए जी, मैं क्या कह रही थी कि अक्षय और विक्रम ना सही कह रहे हैं, इतने सालों पुराना काली मंदिर के ट्रस्ट को एक अनजान अजनबी वरदान के हाथों सौंप देना मुझे भी सही नहीं लग रहा। मैं तो अपनी राय दे रही थी बस। मेरे बिजनेस में अपनी टांग मत अड़ाओ, जाओ जाके किचन में अपना काम संभालो। रोका में किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, खासतौर से मिस्टर वरदान चौधरी की खातिरदारी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मैं भी देखती हूँ। Enough said, तुम ये धमकियां देना बंद करो, alright? और जिसको जो जाकर बताना है ना बता दो। पैसों के मामले में ना तुम अंगद के नाखून के बराबर भी नहीं हो, alright? So जाओ और जाके अपने बराबर की कोई ढूंढ लो और मुझे छोड़ दो प्लीज। और हाँ, आज के बाद अगर कॉल किया ना तो तुम देख लेना, got it? It's legit bro. आप जाके बोल दो ना डैड को कि आपको उस परिधि से शादी नहीं करनी है। सिंपल। कैसे बोल दूं? उन्होंने उसके डैड को पहले से ही जुबान दे रखी है। एंड यू नो, मैं डैड की बात नहीं काटता। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो मेरे को फोर्स नहीं करेंगे। उन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया। उन्होंने रोका करने से पहले मुझसे पूछा ना सब कुछ। आई कांट डू एनीथिंग नाउ। और ब्रो, मिस पंक्चर उमा का क्या करें? व्हाट? अंकद उस नौकरानी से कालिंदी से शादी करना चाहता। आइए वरदत साहब,
उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा छोटा सा गरीब खाना पसंद आए। चलिए आपको हमारे घर वालों से मिलाते हैं। मिलवाने की जरूरत क्या है, मैं इन सबको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये है पृथ्वी जी का घर, अम्बाला की शान है शान। अरे कोई भी एक बार घर में आता है ना, बस देखता ही रह जाता है। जितना भी इंटीरियर है सब फॉरेन का है। आपको मालूम है ये लाइट, ये हमने यूके से मंगवाई थी, है ना? तुम्हारी खुशबू आ रही है, तुम यही कहीं हो। कौन है ये? सारे लोग इनके पीछे मंडरा रहे हैं, आप जानते हैं इन्हें? पता नहीं, कभी देखा नहीं कभी सुना नहीं। मेरे ख्याल से बस दोस्ती का फर्ज निभा रहा हूँ मैं। शक्ति जी, पृथ्वी, जिंदगी का सबसे बड़ा डर ये है कि जो लोन राघव साहब ने लिया था वो चुकता करते करते कहीं मैं जिंदगी चुकता ना हो जाए मेरी। और सोचता हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो इस लोन को कौन भरेगा, इसलिए वीसी के साथ मैंने पार्टनरशिप करने की सोची है। 70% वो और 30% मैं, ताकि अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये लोन वो चुकाएंगे। पृथ्वी, मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि तेरी बेटी मेरे घर की बहू बनेगी। अगर पिता इतना संस्कारी है तो बेटी कितनी संस्कारी होगी। भाई गॉड, तेरे को कोई आईडिया नहीं दिल पे कितना बड़ा पत्थर रख के तेरे रुक के पे आऊं यार मैं। सिड, सच्चे प्यार करने वालों को इस दिल पे पत्थर भी रखना पड़ता और पत्थर खाने भी पड़ते। मजनू ने भी तो खाए थे। और अगर मेरा प्यार चाहिए तो यूं ही दिल पर पत्थर रख रख के मिलेगा। क्या बोल रही है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अंगद से शादी के बाद भी तुम्हें ये प्यार यूं ही मिलता रहेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? कालिंदी से शादी। हाँ, कालिंदी से शादी के लिए उसका हाथ मांगो। ब्रो ब्रो ब्रो, आज का ये डिनर आपके लिए है। आपके इन-लॉज ने एक स्पेशल गेस्ट को भी बुलाया। सो चेंज योर क्लोथ्स एंड कम फास्ट। चलो चलो चलो, आपके इन-लॉज ना वेट कर रहे हैं आपका। एक बार और इन-लॉज बोला ना तो मुंह के इन पड़ेगा पंच, ओके? अरे मैंने क्या किया है? जो कुछ कर रहे हो ना आप कर रहे हो। I swear bro, इंडिया आने के बाद ना बहुत अजीब से हो गए। God knows कहाँ हो गए। ओए मम्मी मॉम, दी क्या कर रहे हो आप? ये सब चीज साइड में से निकल रहा है, इसे अच्छे से कीजिए प्लीज। ये क्या दे, एक मिनट दी, आप इसी बात पे गुस्सा हो ना कि आपने अंकल से इतनी रूडली क्यों बात की, लेकिन आप उसका सारा गुस्सा अंजू दी पे क्यों निकाल रहे हो? दीप, एक काम कीजिए, आप मुझे दे दीजिए, मैं ले जाती हूँ। नहीं दी, मैं ले जाऊँगी। नहीं दी, दे दीजिए ना, वरना मुझे लगेगा कि मैंने आपसे गुस्से में बात की इससे आप नाराज़ हो गए। आप एक काम कीजिए, बाकी का सामान ले आइए, मैं ले जाती हूँ। इंडिया में इट्स हीटिंग हॉट। यू नो पृथ्वी जी, हमारे लंदन वाले घर में एसी लगा है, कार में एसी है, मौसम में एसी है, हवा में भी एसी है। लंदन की बात ही कुछ और एकदम। वैसे जिस परिवार के लिए आप लोग काम करते थे वो लोग कहाँ हैं? अरे पानी लाओ जी। कौन कौन सा परिवार? राघव शर्मा, विशाखा शर्मा और उनकी दो बेटियां। मिस्टर वर्धान, राघव मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था और मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि वो और उसका परिवार अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या वो सच में नहीं रहे? सच में अब हमारे बीच में वो नहीं रहे। आइए आइए प्लीज, खाना खाना ठंडा हो रहा है।
उमा, उमा ठीक से चल, क्या कर रही है? मैम पता नहीं वो अचानक से हाथ। उमा बेटा संभाल के। चौधरी साहब आपका चेहरा कुछ तो है। चीटे है? चीटे नहीं है चौधरी साहब, आपका दांत। वॉशरूम प्लीज। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही है, मेहमान को लेके जा वॉशरूम, सूट गंदा हो गया, जा। सब इस तरफ चलिए। मेरे से ये गलती पहली बार भी है, मैंने जानबूझ के नहीं की, आप बुरा मत मानिएगा सर। I'm really sorry.